करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पिछले वीडियोस में, कि मैं हिंदी में भी सीरीज शुरू कर रहा हूं, जैसा कि मैंने इंग्लिश में शुरू किया था। और बहुत सारे आप लोगों के स्टूडेंट जो हमारे हैं, जो हमारे पुराने हैं, उनका ये मांग था। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, पेंडेमिक है, आप अपने घर में रहे, सुरक्षित है। और मुखर्जी नगर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो मुखर्जी नगर में ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर भटक जाते हैं, उनके पास ना कोई स्टैंडर्ड मटेरियल मिलता है, सिर्फ एक दो नोट्स के पीछे भागते हैं। और इसका फायदा जो मुखर्जी नगर के ठग इंस्टीट्यूट में वो लगाते हैं, तो उससे भी आप सावधान रहें। तो चलिए आज हम हिमालय के चट्टानों का चुंबकत्व, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो हिमालय के चट्टानों का चुंबकत्व, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो हिमालय के चट्टानों का चुंबकत्व पर एक नई खोज, एक नया रिसर्च आया है, जिसमें हिमालय में एक अलग प्रकार की सीमा है। आज तक जो हम लोग समझते आ रहे थे उससे अलग है, यह एक संकीर्ण भूवैज्ञानिक संरचना, यानी एक नैरो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। कि एक आप देखेंगे तो जो हिमालय पर्वत है हमारी, उसकी पूरी श्रृंखला उसके साथ ये लगातार लंबाई के साथ ये फैला हुआ है, ये नया शोध से पता चला है। तो चलिए, तो बेसिकली ये जो है ये फ्यूचर जोन कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फ्यूचर जोन होता क्या है। तो फ्यूचर जोन यह केवल कुछ किलोमीटर चौड़ा होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अंश होते हैं, जिसमें सभी जो भी उसका फोर्थ जोन होता है, ब्रज क्षेत्रों का, एक साथ कटा हुआ होता है। इस फिगर को भी हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह का फ्यूचर जोन होता है और रिसर्च कहाँ की गई। तो यह उस सीमा को चिन्हित करता है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट एक साथ जुड़े थे और जो एक प्राचीन महासागर था वो विलुप्त हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेथिस सागर में एक तरफ यूरेशियन प्लेट था, एक तरफ इंडियन प्लेट था, और बीच में क्या था, टेथिस सी था, टेथिस सागर था। तो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई और टेथिस सी गायब हो गया। तो टेथिस सी गायब हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के पश्चात हमारे हिमालय का निर्माण। तो चलिए आगे देखते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने लगभग 60 मिलियन से अधिक साल पहले, यहां क्या इनको मिला है, तो लगभग 60 मिलियन साल से अधिक साल पहले का लावा का फूटने वाली चट्टानों को इकट्ठा करने के लिए इस एरिया में जो रिसर्च क्षेत्र था उसमें आया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 55 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटें टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। तो वैज्ञानिक उससे पहले, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं एंडीज में या बहुत सारे जहां महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराती है तो ज्वालामुखी होता है, इंडोनेशिया के पास आप देख सकते हैं। तो वही 55 मिलियन साल से पहले क्या था, टेथिस सी था, वहां ज्वालामुखी था हिमालय में। तो ये जो ज्वालामुखी था उसका तकरीबन 60 मिलियन साल पुराना जो लावा था, उस लावा को इकट्ठा करके ये स्टडी की गई है, उससे उसका चुंबकत्व के बारे में पता लगाया गया है। तो चलिए, तो ये जो चुंबकत्व को रिकॉर्ड करना था, तो ये जो लावा जो मैंने बताया था, ये क्या है, बेसिकली ये चुंबकीय रिकॉर्ड को डिकोड करता, मतलब ये लावा किया उसके दौरान, जैसा कि आप अगर जानते होंगे सीफ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हैरी हेस ने दिया था, तो उसमें भी उन्होंने यही सिद्धांत देखा था कि सागर के अंदर किस तरह से जो मैग्नेटिक पोल है वो किस तरह से बदल रहे, और जैसे ही वो बदल रहे उसके अनुसार। तो इसी प्रकार जो लद्दाख के पास ये रिसर्च किया गया है, और इस रिसर्च में जो मिला है उस रिसर्च के अनुसार उन्होंने ये 60 मिलियन साल पुराना लावा का स्टडी किया। तो ये बेसिकली काम क्या है, चुंबकीय रिकॉर्ड को डिकोड करना, यानी डिकोडिंग ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्ड। तो अब आगे हम लोग देखते हैं,
तो इनके अंदर संरक्षित चुंबकीय अभिलेख जो रिकॉर्ड था जो को डिकोड करने के बाद प्राचीन भूभागों का एक पुनर्निर्माण करने की आशा है कि अब ये जो डिकोड किया जाएगा, ये जो रिसर्च है जो अभी चल रहा है, तो इसके भूभाग को रिकॉर्ड करने के बाद ये आप समझिए कि जो हमारा भूगोल है, जो हम आज तक समझते आ रहे हैं, उसको पुनर्निर्माण करने की आशा है। और यह हिमालय पर्वत की निर्माण प्रक्रिया जो अभी तक हम लोग जान रहे हैं कि हिमालय पर्वत दो प्लेटों के टकराने से हुआ था, एक सबडक्शन जोन बना था जिससे कन्वेयर बेल्ट बना था और जिससे हमारा हिमालय लगातार ऊंचा हो रहा है। तो ये प्रोसेस भी बहुत सारे मैंने ज्योग्राफी में आप लोगों को बताया है और अभी भी थोड़ा सा जान लीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हिमालय लगातार बढ़ रहा है उसका क्या कारण। उसका कारण है चैनल फ्लो प्रोसेस, ये हमेशा याद रखें, चैनल फ्लो प्रोसेस। ये चैनल फ्लो प्रोसेस जो है इसके कारण हिमालय लगातार बढ़ रहा है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे ज्योग्राफी क्लास में आप शामिल हो, आपको बेहतर एनिमेशन के साथ में बताऊंगा। तो चलिए, तो ये जो नया रिसर्च निकला है इसमें है कि हिमालय की प्रक्रिया को पुनः परिभाषित करने करेगा ये। तो चलिए आगे देखते हैं कि फिसलने वाली प्लेटें और बढ़ते पहाड़, जो मैंने बताया कि पहाड़ बढ़ रहा है, हमारा हिमालय बढ़ रहा है, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये लगातार गतिशील है। तो टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह को बनाती है, जो हमारा पृथ्वी का सतह है उसको बनाती है और ये लगातार गतिशील होती है। अब लेकिन ये उतनी तेज में नहीं होती है, प्रत्येक वर्ष अगर हम देखें तो ये कुछ सेंटीमीटर की धीमी गति से चलती है। ठीक है, तो महासागरीय प्लेटें, महाद्वीपीय, अब दोनों प्लेटें होती है, महासागरीय महाद्वीपीय, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को मैं पढ़ा चुका हूँ और आप लोग भी ज्योग्राफी क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं विस्तृत रूप से आपको पढ़ाऊंगा। तो महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना में अधिक ठंडी और सघन होती है, यानी उसकी सघनता अधिक होती है, वो ठंडा भी अधिक होता है, इसीलिए वे नीचे की ओर समाहित हो जाते हैं, क्योंकि भारी है तो वो नीचे की ओर समाहित हो जाती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है हल्का होती है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट सिंपल प्रक्रिया है कि जब महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीप में बनते हैं तो उसके अंदर का जो लावा होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन महासागर के अंदर पानी रहता है वो तुरंत वो ठंडा हो जाता है, तो तुरंत ठंडा होने के बाद वो सघन हो जाता है। तो इसीलिए चट्टान भी अलग अलग होती है, महाद्वीपीय प्लेटों की चट्टान ग्रेनाइट होता है और आप देखते हैं कि महासागर के अंदर जो होता है वो बेसाल्ट होता है। ये भी तो बेसिक जानकारी है जो आप लोग समझ लें, आपको परीक्षा में आगे काम दे। तो ये इसीलिए नीचे समाहित हो जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो महासागरीय प्लेट का डूबा हुआ किनारा, जो महासागरीय प्लेट होता है भारी होता है, नीचे चला जाता है कहाँ, मेंटल के अंदर। तो मेंटल के अंदर क्या होता है, यह एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, तो जिसमें एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप की ओर खींचे आते हैं। जब संपूर्ण महासागर का प्लेट समाप्त हो जाता है, यानी संपूर्ण महासागर ही समाप्त हो जाए, जैसे कि 33 सीसी के साथ हुआ था, तो दोनों जो महाद्वीपीय प्लेट होता है वो सामने सामने टकरा जाता है, जैसे इंडियन प्लेट और हिमालयन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट दोनों टकराया तो हिमालय का हमारा निर्माण हुआ। तो इस तरह महान पर्वत बेल्ट का उत्थान हुआ हमारा और ये एक दूसरे में समाहित होकर टकरा गया और ये जो हम हिमालय देख रहे हैं उसका निर्माण इस तरह से हुआ। तो अगर आप देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कन्वेयर बेल्ट किस तरह से बनता है। सपोज कीजिए ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है और मेंटल के अंदर क्या होता है, ये कन्वेक्शन जोन चलता है। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो टकराएगा, और यहाँ ये क्या है, ये सी है, महासागर है सी, ये 33 सीसी समझ लीजिए, और इसका जो होता है ये प्लेट यहाँ डेंस होगा और ये प्लेट भारी होगा, तो ये डेंस होगा तो ये नीचे चला जाएगा आपका मेंटल में, और ये जैसे ही टक्कर में यहाँ चला जाएगा तो ये नीचे मेंटल में समाहित हो जाता है। तो ये मेंटल में समाहित हो जाएगा तो फिर ये इस बीच की जो नदी है वो गायब हो जाएगी और ये टकराया, ये दोनों टकराया और ये फिर इस तरह से हमारे हिमालय का निर्माण। ये यूरेशियन प्लेट है, ये तिब्बत का पठार आप समझ लीजिए, और ये आपका ये इंडियन का मैदान, ग्रेट इंडियन प्लेन जो गंगेटिक प्लेन है,
और ये शिवालिक और ये इस तरह से। तो ये जो हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया है ये विस्तृत रूप से हमारे जो क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक सिंपल खाका हमने खींचा कि ये कन्वेयर बेल्ट होता है, यहाँ से एक कन्वेयर थ्रेड चलती है इस तरह से, यहाँ टकराती है, ठीक इसी तरह से यहाँ एक होता है जो फिर इसको इधर और इधर ले जाती है, और इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट का ये निर्माण होता है, और इससे हमारे पर्वत का निर्माण और हमारे पृथ्वी के सतह के शेप का जो आकार है उसका निर्माण हमेशा होता रहता है, जो ये हमेशा गतिमान रहता है। तो चलिए, लेकिन ये नया शोध क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने के, पहले जो हम लोग समझ रहे थे कि बस इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया और एक सबडक्शन जोन बना हो ये बन गया है हमारे, नहीं, अब वैज्ञानिकों ने जो चुंबकीय रिकॉर्ड निकाले हैं उसके अनुसार यह एक जटिल एवं बहु चरण प्रक्रिया, यानी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेवल, मतलब मल्टी स्टेप इसमें यूज हुआ है, और इसीलिए हमारे आपको सीधा एक छोटा सा स्विच और जोन मिला है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें उस तरह की समरूपता नहीं पाई गई है। तो यह एक जटिल बहु चरण प्रक्रिया है। तो वैज्ञानिक आमतौर पर यह मानते थे, जो भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, कि तकरीबन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 55 मिलियन साल पहले हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, अर्थात यूरेशियन और इंडियन प्लेट टकराए। जब यूरेशिया के दक्षिण किनारे के नीचे, जब हम जैसे कि मैंने बताया कि ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट और इसका ये साउथ, तो ये दक्षिण किनारे में ये क्या था, नियो कैथेसिसी, यानी जो हमारा कैथेसिसी था वो अब धीरे धीरे कम हो गया, तो नियो कैथेसिसी प्लेट भारतीय और यूरेशियन प्लेट से टकराया और फिर वो नीचे जाके समाहित हो गया, और इस प्रकार जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारे हिमालय का निर्माण। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि लद्दाख के पास ये रिसर्च हुआ है, तो ये उत्तर पश्चिम भारत में है, सुदूर पहाड़ी में लद्दाख क्षेत्र में, वहां के चट्टानों के चुंबकत्व यानी उसके जो मैग्नेटिज्म थे उसको माप किए और उसके रिकॉर्ड को डिकोड करने की कोशिश की गई, और उसमें दिखाया कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में जो टेक्टोनिक टक्कर वास्तव में एक, वास्तव में जो सीधा हम लोग मानते हैं कि बस टकराया और एकदम हो गया, बहुत सारे लोग तो प्रिडिक्शन भी कर देते हैं और आप लोग उसके वीडियो को ज्यादा आप लोग देखते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए अभी तक कोई भी ऐसा सॉलिड नहीं मिला है जो आपको हिमालय में या कोई भी भूकंप का आपको सॉलिड प्रिडिक्शन कर दे के इतना बज के इतना मिनट पे आए, लेकिन इस तरह की अफवाहें बहुत सारे यूट्यूब पे मिलती है, बहुत सारे वीडियो, और इस तरह के अफवाह वाले वीडियो को आपको काफी लाइक करते काफी शेयर करते, इसीलिए हमारे वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें, और सच्चाई जो है वो सही जानकारी है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि साइंस डेली, नेचर, जो ऑथेंटिक मैगजीन उसका सोर्स से हम आपको देते हैं। अगर आपको सोर्स चाहिए तो आप हमारे सेम नाम का ब्लॉग है करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय ज़की, उस पे मैं सोर्स भी देता हूँ कि मैं कहाँ से लिया, इसीलिए ये ऑथेंटिक है और इससे यूपीएससी में 100% आप श्योर रहिए कि इससे आपका प्रश्न आने वाला होता है। तो चलिए देखते हैं, तो ये एक जो मैप है सबडक्शन जोन, तो बेसिकली ये रिसर्च एरिया ये रिसर्च एरिया जोन का क्षेत्र जो है वो यहाँ, और ये जो एक नैरो बेल्ट देख रहे हैं ये जो आपका ग्रीन है ये सिचुएशन जोन, ग्रीन कलर का जो ये आपको दिखाई, ये जो ग्रीन कलर का है ये सिचुएशन जोन, ये यहाँ से आपको यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाता हूँ कि नंगा पर्वत से शुरू होकर कहाँ तक जाती है हमारे हिमालय का चाप आप देखेंगे तो नामचा बारुआ, ठीक है, तो ये नामचा बारुआ तक जाती है, तो ये इस तरह आप देखेंगे, तो ये है आपका स्विचर जोन। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे यूपीएससी के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, उसके बेसिक नॉलेज देकर और उसके साथ करंट को मिलाते हैं,
यानी आप समझिए पीटी में सिर्फ दो चीज पे आपको ध्यान देना है, एक तो अवेयरनेस और दूसरा सिंसियरिटी, मतलब आप जागरूक कितना है और कितना सजग है, मतलब कि कितना सिंसियर है यूपीएससी के प्रति, क्या आप शौक से पढ़ रहे हैं या डीएल में आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसको हमेशा आप ध्यान में रखेंगे और हमारे इस तरह के वीडियो को हमेशा आप लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 से अधिक बना देते हैं सब्सक्राइबर हमारे चैनल को, तो हम इस पर डेली आपको क्विज दें। तो ये आप हमेशा से ध्यान रखिए कि आप और आपके जो भी दोस्त हैं सभी को ये काफी फायदा देगा। तो चलिए यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह को बनाती हैं और लगातार गति में हो। नंबर दो, हिमालय का निर्माण वास्तव में एक जटिल बहुमंचीय प्रक्रिया है। ठीक है, महासागरीय प्लेटें गर्म और सघन होती हैं। उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, डी उपरोक्त सभी। अब इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको हिंदी में और कोई जानकारी चाहिए, विशेषकर विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण संबंधी, तो वो सारी जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि सर हमको ये चाहिए या हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। ये वीडियो सिर्फ आपका मंच है और इस पे कोई न कोई पैसा है न कुछ है, न कोई बड़े बड़े कोचिंग की तरह लाखों रुपया मैं नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से। सिर्फ और सिर्फ मेरा ये कहना है कि आप लोग किसी भी तरह, बेसिकली आपका जो गेटवे होता है वो पीटी होता है। अगर आप गेटवे ही नहीं करेंगे तो मेंस करके क्या हो, आपका लाख मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी, आप गेटवे ही नहीं पार कर पाएंगे। वहां ईरे से तो पूछ देगा, आप नहीं जानेंगे। इसी तरह से क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पूछा था, बहुत सारे 90% कोचिंग वालों ने गलत उसका जवाब दिया था। आज आप जाके आप यूपीएससी के आंसर से उसको मिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको यहाँ पे ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन में जाते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह की खोज पहली बार 1853 में इतालवी खगोल शास्त्री ने की थी। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, शुक्र ग्रह बेल्ट की छोटी वस्तुओं की टक्कर के कारण लगातार शुक्र ग्रह की सतह पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यह गलत है, यह शुक्र ग्रह के बेल्ट की छोटी पट्टी के वस्तुओं के कारण नहीं, बल्कि सौर पवनों या सोलर विंड जो होता है उसके कारण लगातार शुक्र ग्रह की सतह का ऑक्सीकरण हो रहा है। 16 साइकिल के बारे में, धातु शुक्र ग्रह आमतौर पर सौर मंडल में नहीं पाए जाते, ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो इसका आप देखिए उत्तर क्या होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी एक और दो, सी एक और तीन, और डी उपरोक्त सभी। तो अब आप देख लीजिए इसका आंसर हो गया एक और तीन, तो एक और तीन सी है आंसर, तो इसका उत्तर हो गया आपका सी से। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर अगले इसके बाद मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस जो आज प्रश्न में पूछा हूं उसका उत्तर उसमें आपको मिलेगा। लेकिन आज के प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस तरह की जानकारी, मैं दावे के साथ कहता हूं, कहीं भी कोई नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर खासकर। वो अलग तरह की जानकारी मिलेगा लेकिन आपको यूपीएससी में फायदा नहीं करेगा। इसीलिए हिंदी माध्यम के छात्रों से मैं खास करके अपील करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी माध्यम में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी माध्यम में इस तरह के मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए।